राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में टिड्डियों ने मचाया आतंक। देश में 26 साल बाद टिड्डी दलों के भयानक हमले से करीब 90,000 हेक्टेयर फसलें उजड़ गई हैं। यह आकलन अभी राजस्थान के 20 जिलों के आधार पर ही जारी किया गया है। ऐसे में टिड्डी दलों की चपेट में आने वाली फसलों और हरियाली का आंकड़ा बढ़ना तय है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिड्डी दलों के हमले हो रहे हैं। टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों द्वारा जहां एक तरफ भारी मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग खेतों में धुआं करके थाली और तेज संगीत बजाकर भी इन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सरकारों ने टिड्डी दल के पहुंचने को लेकर अलर्ट जारी किए गए। टिड्डियों का झुंड एक दिन में 81 मील या इससे अधिक मील की दूरी तय कर सकता है। टिड्डी के एक झुंड ने 1954 में उत्तर पश्चिम अफ्रीका से ब्रिटेन तक की उड़ान भरी। वहीं 1988 में पश्चिम अफ्रीका से कैरेबियन तक का सफर तय किया। टिड्डी अपने वजन से अधिक भोजन खाती है। टिड्डी का आकार 2 से 2.5 इंच का होता है। यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखती है। टिड्डी के दांत बहुत नुकीले होते हैं, जिससे ये हरे भरे मजबूत पेड़ तक बर्बाद कर सकती है। टिड्डी को फसल के बीज, हरी पत्तियां एवं उस पर लगे फूल बेहद पसंद हैं। ये जहां से गुजरते हैं वहां बादल की तरह अंधेरा छा जाता है। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने टिड्डियों का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें भारी मात्रा में टिड्डियों को देखा जा सकता है। धर्मेंद्र ने टिड्डियों का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, सावधान रहिएगा, हम इस मुसीबत को झेल चुके हैं। उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। सभी छात्रों को इन्हें मारने के लिए बुला लिया था। प्लीज ध्यान रखिएगा। इस तरह धर्मेंद्र ने अपने फैंस को टिड्डियों से सावधान रहने की सलाह दी। जोधपुर संभाग के सरहदी जिले जैसलमेर के पाकिस्तान से सटे इलाकों में पिछले कुछ दिनों से टिड्डी दल का प्रकोप देखा जा रहा है। अचानक करोड़ों टिड्डियों का प्रकोप पोकरण, रामदेवरा सहित आसपास के इलाकों में देखा गया है। एक बार फिर टिड्डी के प्रकोप से किसान काफी चिंतित नजर आ रहा है, जिसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार टिड्डियों का झुंड बिहार और उड़ीसा तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन दक्षिण भारत में इन टिड्डियों के पहुंचने की संभावना कम है। FAO ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भारत में टिड्डियों के व्यसक समूहों का आना हुआ है और ये भारत पाकिस्तान सीमा से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री कमल पटेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार टिड्डी दल के हमलों को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की तैयारी कर रही है, जिससे सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार लंबे समय तक राहत के लिए टिड्डी दलों के साथ
उनके अंडों को भी नष्ट कराने की योजना बना रही है। इसके लिए वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। कृषि विभाग के आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि टिड्डियों के हमले से श्री गंगानगर में लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल को नुकसान हुआ। वहीं नागौर में 100 हेक्टेयर भूमि की फसल को चट कर दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में झांसी सहित कुछ जिलों में बुधवार शाम पहुंचे टिड्डी दल में शामिल लाखों कीटों को रसायनों के गहन छिड़काव की मदद से नष्ट कर दिया गया। बचे हुए टिड्डी झुंड को भगाने की कोशिश जारी है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में टिड्डी दलों के संभावित हमले को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी बृहस्पतिवार को श्रम मंत्री गोपाल राय के आवास पर संबंधित अधिकारियों की बैठक के बाद जारी की गई। अधिकारियों को रात के समय कीटनाशकों के घोल का छिड़काव कराने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही किसानों और अन्य लोगों के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है। हरियाणा के अपर मुख्य सचिव संजीव कौशल के मुताबिक टिड्डी हमले की संभावना पर सिरसा, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कर्नाटक ने अपने यहां टिड्डी दल पहुंचने की संभावना के परीक्षण को एक कमेटी गठित कर दी है। उड़ीसा ने भी अपने यहां एडवाइजरी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में टिड्डियों के दल के हमले का अलर्ट जारी किया गया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया, हाई अलर्ट राज्य के 12 में से 4 जिलों के लिए जारी किया गया है, जिनमें कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन है। राज्य के कृषि निदेशक आर के कौंडल ने कहा कि रेगिस्तानी टिड्डियों का विशाल झुंड आसपास के राज्यों में फसलों को नष्ट कर रहा है। वे हिमाचल प्रदेश में भी फैल सकती हैं। उन्होंने कहा कि टिड्डियों की गतिविधि पर नियंत्रण और लगातार नजर रखने के लिए क्षेत्र में कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है और टिड्डियों के कारण सामने आने वाली किसी भी आपात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वैज्ञानिकों ने अंडों को नष्ट करने के लिए खेती में पानी भरकर रखने की सलाह दी है। इसके अलावा समय रहते कीटनाशकों का छिड़काव करके इन्हें नष्ट किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 6 राज्यों में पिछले साल दिसंबर से अब तक करीब 10 से 15 लाख एकड़ की फसल को इन टिड्डियों के कारण नुकसान पहुंचा है, जबकि सरकार आंकड़े के हिसाब से अभी तक लगभग 1 लाख एकड़ कपास, दलहन, तिलहन और गर्मी में पैदा होने वाली सब्जियों और फलों की पैदावार टिड्डी हमले की भेंट चढ़ चुका है। अप्रैल के हमले का फसलों पर ज्यादा असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अधिकतर जगह फसल कट चुकी थी और खेतों में बुआई नहीं हुई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।